भोपाल से बड़ी खबर, जहां बच्चा चोरी मामले में दिल्ली की महिला डॉक्टर गिरफ्तार हुई है। भोपाल पुलिस ने दिल्ली में छापा मारकर गिरफ्तार किया आरोपी डॉक्टर। बच्चे चोरी गैंग में शामिल है। भोपाल में किडनैप दोनों बच्चों को बेचने की भी तैयारी थी। तो लगातार खुलासे हो रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई भी जारी। आपको बता दें कि नवरात्र में कन्या भोज के नाम पर, कन्या पूजन के नाम पर यहां पर दो मासूम बच्चियों का अपहरण हुआ था। पुलिस को सफलता मिली, बच्चियों को सकुशल बरामद किया गया। अब इसके तार देखिए किस तरह से जुड़ते जा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया और जानकारी ये भी कि बच्चियों को बेचने की तैयारी थी। ब्रिजेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, लगातार इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है, सफलता भी पुलिस को मिल रही, और क्या खुलासे हुए इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की सरोजनी नगर कॉलोनी से जो है वो क्लिनिक चलाने वाली, नर्सिंग होम चलाने वाली एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कुमारी शक्ति देवी बताया जा रहा है। और ये महिला जो है वो बच्चों को चोरी करके सप्लाई करने का काम करती थी, दोनों तरीके से सप्लाई करने का काम करती थी। एक तो देह व्यापार के लिए जब बड़ी बच्चियों को जो है वो बेचा जाता था, और दूसरा जिन दंपतियों के बच्चे नहीं थे उन दंपतियों को छोटे बच्चों को बेचा जाता था। तो ये पूरी जो गैंग थी देश भर में सक्रिय थी, और जिस तरीके से इसके 5 सदस्यों को भोपाल से छापेमार कार्रवाई करके इंग्लिश विला कॉलोनी से पकड़ा गया था, उसके बाद पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे थे, और इसी निशानदेही पर जो आरोपी भोपाल से पकड़े गए थे, उन्होंने जो बताया था कि बच्चे को बेचने की तैयारी दिल्ली में थी, उसी तार से जोड़ते हुए पुलिस जो है वो दिल्ली की सरोजनी नगर कॉलोनी में आज पहुंची, और शाम को करीब 8:30 बजे छापेमार कार्रवाई करके इस महिला को उसके घर से गिरफ्तार किया है। इसको महिला को जो है, महिला डॉक्टर को भोपाल लाने की तैयारी है। सुबह तक जो पुलिस है वो भोपाल पहुंचेगी, और उसके बाद कड़ी पूछताछ की जाएगी। कई और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।